सलमान की सिकंदर को मिल गई नई हीरोइन, रेडी हो गई भाईजान की एक और मूवी की स्क्रिप्ट। इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी ही डिटेल। सिकंदर की एक्ट्रेस कौन होगी, फाइनली इसका खुलासा हो गया है। बताया जा रहा है कियारा आडवाणी सलमान की मूवी सिकंदर की हीरोइन बनने वाली हैं। जब सलमान खान दुबई में थे तब कियारा आडवाणी सिकंदर के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के ऑफिस पहुंचकर मूवी कंफर्म करने पहुंची थी। ऐसा पहली बार होगा जब कियारा आडवाणी सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। इससे पहले कियारा ने सलमान के साथ एक विज्ञापन में काम किया था, मगर अब तक किसी फिल्म को लेकर बात नहीं हुई थी। अब सलमान के सिकंदर की शूटिंग डेट्स फाइनल हुई तो कियारा आडवाणी ने भी अपनी तरफ से हामी भर दी। कियारा की एक्टिंग स्किल जिस तरह इम्प्रेस कर रही है, उससे इस बात के कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि वो सलमान के साथ एक्शन कर सकती हैं, और फिर सिकंदर के जरिए उन्हें वो प्लेटफॉर्म भी मिल गया। बॉलीवुड का ये न्यू पेयर ईद 2025 पर धमाका मचा देगा। सलमान खान के फैंस के लिए एक और गुड न्यूज है। ये खुशखबरी है सलमान की नई मूवी की स्क्रिप्ट से जुड़ी हुई। बजरंगी भाईजान 2 की स्क्रिप्ट रेडी हो गई है। इसे अब सलमान खान सुनने वाले हैं और फिर उसे भी ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। स्क्रिप्ट राइटर बिजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान के सीक्वल की कंफर्मेशन कर दी। बजरंगी भाईजान 2 स्क्रिप्ट इज रेडी, एम आई राइट सर? या द स्क्रिप्ट इज रेडी, इज ओनली गोइंग टू फाइंड सम टाइम टू नरेट टू द सलमान भाई हीरो एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। थैंक यू। यानी केवल सलमान से बातचीत होनी बाकी है और फिर इंडिया में 320 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ कमाने वाली बजरंगी भाईजान का अगला पार्ट थिएटर में तहलका मचाएगा। बिजेंद्र प्रसाद और सलमान खान के बीच मूवी को लेकर कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। इसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस कौन करेगा, बस इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। इस फिल्म के सीक्वल में पाकिस्तान बेस्ड स्टोरी दिखाए जाने की बहुत संभावना है। पहले भी बिजेंद्र प्रसाद को बजरंगी भाईजान लिखने को कहा गया था, मगर तब वो बिजी शेड्यूल के चलते ऐसा नहीं कर पाए थे। गैलेक्सी पर हुई फायरिंग के बाद सलमान खान पहली बार घर से बाहर निकले तो डायरेक्ट दुबई पहुंच गए। उन्होंने यहाँ बीइंग ह्यूमन से जुड़े प्रोडक्ट को लॉन्च किया। सलमान खान का इस दौरान अंदाज बेहद ही बेलौस नजर आया। बेधड़क तरीके से सलमान खान ने दुबई में अपने दिन बिताए, कहीं भी ऐसा नहीं लगा सलमान खान को किसी तरह का खौफ है। सलमान खान का ये अंदाज दुश्मनों को इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि कहा जा रहा था कि इससे सलमान खान के अंदर दहशत पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन दहशत क्या होती है ये सलमान खान ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दोस्तों, सलमान खान की दो फिल्मों से जुड़ी ये डिटेल कितनी इंटरेस्टिंग है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।